लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल। ट्विटर बायो में अयोग्य सांसद की जगह लिखा ये। सोशल मीडिया पर हैशटैग राहुल इज बैक हुआ ट्रेंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के द्वारा सोमवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता को अयोग्य ठहराया गया था। इसके 137 दिनों बाद सोमवार 7 अगस्त को उनकी अयोग्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई। यानी कि राहुल गांधी सांसद के रूप में संसद में एक बार फिर वापस लौट गए हैं। सांसदी वापस मिलने के बाद संसद में जब राहुल गांधी पहुंचे तब इंडिया यानी कि जो नया विपक्ष गठबंधन है उनके नेताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। इसके साथ साथ ही राहुल गांधी के समर्थकों ने संसद परिसर में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से झूमती हुई जश्न मनाती हुई नजर आई। कई वीडियोज भी सामने आए जहाँ लोगों ने राहुल गांधी के समर्थकों ने नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब राहुल गांधी संसद में वापस लौटे तो सोशल मीडिया पर हैशटैग राहुल इज बैक टॉप ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर मीम की भी बाढ़ आ गई। कुछ समर्थकों ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किए तो वहीं बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी का ही प्रचार होगा, ऐसे भी ट्वीट राहुल गांधी को लेकर किए गए। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्विटर बायो को भी बदल लिया। उन्होंने अब अपने ट्विटर बायो में अयोग्य सांसद यानी कि डिस्क्वालिफाइड एमपी की जगह संसद सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख लिया है। इसी के साथ उन्होंने बायो में कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उन्होंने ट्विटर बायो को बदल लिया जिसके बाद वो भी ट्रेंड करने लगा। आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के रिएक्शन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किए। सभी ने ये मां भारती की जीत बताया, न्याय की जीत करा दिया गया। इसके साथ ही विपक्ष ने कहा कि विपक्ष की आवाज अब और ज्यादा मजबूत हो गई है क्योंकि राहुल गांधी संसद में वापस लौट आए हैं। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी का संसद में स्वागत विपक्ष के तमाम नेताओं ने तमाम पार्टियों ने किया। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी अब संसद वापस लौटे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात के सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता अयोग्य करार दी गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाई और साथ ही साथ राहुल गांधी अब संसद में वापस लौट गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर राहुल गांधी को दोबारा सुनवाई में 2 साल की सजा सुनाता है तो राहुल गांधी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी करता है तो वह 2 साल से भी कम की सजा मिलने के साथ साथ चुनाव भी लड़ सकेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।